नमस्कार, स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुछि मु अविनाश चडंगी। अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और दक्ष नेतृत्व अन्य नाम बिजु पटनायक। बिजु बाबू थिले स्वप्नद्रष्टा, दूरद्रष्टा। उत्कल गौरव मधुसूदन दास एवं हरेकृष्ण महताब का भली से थिले आधुनिक ओडिशार निर्माता। माटीर मोह, जातिर कोह तंकु चिरकाल मोहाच्छन्न कर रखिथिला। ओडिशार कला, साहित्य, संस्कृति, ऐतिह एवं गौरवमय कीर्ति को नहीं से सबुबले गर्व करुथिले। ओडिशा थिला तंकर प्रिय जन्मभूमि, कर्मभूमि। आज तंक पुण्यतिथि झुरुछि ओडिशा, मने पकाउछि सारा देश। से दुसाहसी बिजु बाबू को श्रद्धांजलि जणाई आमर स्वतंत्र अध्याय बिजु बाबू। ओडिशा ठारु आरंभ करी इंडोनेशिया जाए, राज्य राजनीति ठारु नै जातीय नेतृत्व पर्यंत सबुठि थिला तांकर दबदबा। टॉल मैन भाबरे परिचित ए महान नेतांकर जीवन यात्रा जेतिकि संघर्षपूर्ण थिला सेतिकि थिला प्रेरणादायी। बापूजी आदर्श से अनुप्राणित होई स्वाधीनता संग्राम रे जोग देथिले बिजु बाबू। आउ तापरे अनेक लंबा तांकर जीवन पृष्ठार फर्द, अलिभा से पाद चिन्ह, अभूला से स्वप्नर उड़ाण, से विषय जानिबा। डाकना बिजु, श्रद्धाना विजयानंद पटनायक, हेले सारा देश तंकु जाने बिजु बाबू भावरे। मार्च 5 तारीख 1916 मसीहा पिता लक्ष्मीनारायण पटनायक एवं माता आशालता देवी कोलबंडन करी कटक आनंद भवन रे बिजु बाबू जन्म नहीं थिले। बिजु बाबूं को पैतृक गांव गंजाम जिला नुआगा। तंको पिता थिले जड़े राष्ट्रवादी नेता, तंकर थिले दुई भाई गोटिए भौणी। प्रथमे प्राथमिक शिक्षा आरंभ होइतिला कटक मिशन स्कूल रु। यहाँ बिजु बाबू पाठ पढ़ी कटक रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल। 1916 मसीहा मार्च 5 तारीख रे तंग जन्म, रेवेन्सा महाविद्यालय छात्र। छात्र बलु गोपबंधु दासंकर नीति आदर्श, मधुबाबूंकर नीति आदर्श रे से प्रभावित होइतिले। अति कम वयसरे से स्वाधीनता आंदोलन रे साथ देइतिले एवं स्वाधीनता परवर्ती काल रे से जणे शिल्पपति भाबरे ओडिशा को एक शिल्पोद्योगी राज्य भाबरे गठन करिवा पे आगे आसले। मैट्रिक पास करी 1932 मसीहा रे रेवेन्सा कॉलेज रे उच्च शिक्षा पई जोग देइतिले। पाठ पढ़ु पढ़ु चिंता करिथिले कटक रु पेशवार साइकिल यात्रा करिवा पई। बिजु बाबू सहित एही दुसाहसिक साइकिल यात्रा करिथिले दुई बंधु अमर दे और भ्रमरवर साहू। पाठ पढ़ा बेले महात्मा गांधी व्यक्तित्व एवं नीति प्रति आकर्षित होइथिले से। गांधी कटक गस्त समय देखिबा पाई जाई इंग्रेज पुलिस ठारु माड़ खाई मुंड फाटिथिला। पुलिस लाठी रे सिना से दिन रक्त झरिला, हेले सेठु आरंभ हेला देश सेवा पई दृढ़ संकल्प। मनरे बसा बांधिला नील आकाशर छाती चिरी शून्य रे उड़ान। अधारु कॉलेज पढ़ा छाड़ी दिल्लीर एरोनॉटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एवं दिल्ली फ्लाइंग क्लब रे पायलट ट्रेनिंग रे जोग देथिले। ट्रेनिंग नेबा परे घरोई विमान उड़ाई थिले बिजु बाबू।
1939 मसीहा द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ में से रॉयल इंडिया एयरफोर्स जोग देते यापर विजुबाबू होगले दक्ष पायलट पायलट हो देश सेवे से जोगदे सारा देश घूरी बुलिले आकाशे उड़ापाई कि पायलट हाँपाई को उद्यम करुले मन भितर आशा पोषण करते शिक्षालाभ करुले निश्चित भाव जन साहसी लोक ये भावार जाए सैकेल चढ़ापी जो समय साहस जुटेबा पड़ूला एवं सेमती गोटे बड़ वित्तशाड़ी भाव में नुहे कि मनर साहस और दम्भ नहीं कार्य करते से दिन पाठपढ़ा समय स्वप्न में लगी डेणा उच्च आकाशे उड़ा आउ पायलट होगा ताहा ही हेला देश पाइला जने दुसाहसी पायलट को पायलट हुई से जो साहसिकतार परिचय देखा देश विदेश में विरल स्वाधीनता संग्राम रे संग्रामी मानंकु स्थानांतर करिबा पुणी इंडोनेशिया विप्लवी मानंकु विमान रे उड़ाई आणिबा भली कार्य करी से पाइथिले प्रशंसा आउ प्रशस्ति पायलट हेबाकु लागिथिला 36 मास ट्रेनिंग परे इंडियन नेशनल एयरवेज रे विजुबाबू को मिलता निजुक्ति आउ ठीक यही समय चली थाए स्वाधीनता आंदोलन अथय होता जुब विजु मन चाकरी में थी बडलाट गुप्त दलिल को गांधीजी को जगह ब्रिटिश पुलिस आखिरी धूलीदे 1940 संग्रामी जयप्रकाश नारायण अरुणा आशफ अल्ली अशोक मेहटा और पर राम मनोहर लोहिया छद्मनाम ने करते संग्रामी को साहय अभोग 1943 जनवरी 13 विजुबाबू को गिरफ्त करागला शेषे कटक जेल 1945 मुक्त करागला मसीहा इंडोनेशिया डच मान भितरे आरंभ होइथाय युद्ध एही समय रे राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णक नेतृत्व में विप्लवी सरकार असुविधार सम्मुखीन होइथिले कथा जानी नेहरू परामर्श क्रमे विजुबाबू पत्नी ज्ञानदेवी सहित डाकोटा विमान रे आरंभ करते रोमांचपूर्ण अभियान अति कौशल क्रमे उपराष्ट्रपति डॉक्टर हट्टा प्रधानमंत्री सुल्तान शाहरियार एवं अन्य स्वाधीनता संग्रामी को निज डाकोटा विमान रे बसाई से दिल्ली को नहीं आसते एथसहित राष्ट्रपति सुकर्णं जीवन रक्षा कर विजुबाबू वीरत्व एवं साहस पर इंडोनेशिया रा सर्वोच्च सम्मान भूमिपुत्र उपाधि भूषित करा कृतज्ञता स्वरूप मिलता 500 कोटी टंकार पुरस्कार न आनी इंडोनेशिया को दान करते विजुबाबू ए महानुभवतार परिचय मिलता मसीहा स्वाधीनता परे देश विभाजन को नहीं होता बिवाद रे पाकिस्तान आक्रोश रखी भारत को आक्रमण कला समय विजुबाबू भारतीय सैन्य को विमान रे नहीं श्रीनगर में पहुंचाई 1965 रे इंडोनेशिया पाकिस्तान को युद्ध विमान बंद करिबा चीन्र भारत आक्रमण बेले नेहरू विजुबाबू ठारु परामर्श नेबा तांको उच्चांग व्यक्तित्वर परिचय देथाय विजुबाबू साहसिकता पाई सम्मान जणाई तांको मृत्यु समय रे तीनटी देशर जातीय पताका मर शरीर रे घोड़ाई दिया जायथिला जेतेले इंडोनेशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करिबा आरंभ कर देथिला इंडोनेशिया तांकु दीटा मिग प्लेन भी देथिला तांकु आर्म्स एंड एम्युनिशन देथिला इंडोनेशिया आमको थ्रेटन करथिला आमे अंडमान निकोबार आइलैंड को कवर कर दबो सेते बेले गोटे सिक्रेट मिशन रे शास्त्री विजुबाबू को पठेथिले आ विजुबाबू से जो काम करथिले जाई कि से आक्रमणटा बंद करथिले अधेरु डिस्ट्रॉयर पळे देथिला जदि आमे सेते बेले आमे एते संबल थिलो ना आमर जदि आमर ईस्टर्न फ्रंट भी खोली जाइथांता बोधे आम युद्धटा हारी जाइथांतु आ विजुबाबू से दिन जाकि जो सुकर्ण को कन्विंस करिले कि एटा करिया कथा नुह सुकर्ण तांग कथा मानिकी तार एयरक्राफ्ट आए फेरस्त नहीं आसला पाकिस्तान टू मु कहिबी दैट इज वन अचीवमेंट ऑफ विजुबाबू जोटा आज जाए हाइलाइट है ना
सुदक्ष पायलट थिले बिजु बाबू राजनीतिर मैदान रे से जेभली पारंगम थिले सेभली दक्ष पायलट भावरे साउंठी थिले ख्याति डाकोटा विमान थिला तांका संघर्षमय जीवन रो साथी तेबे किभली भावरे डाकोटा विमान से उड़ाउथिले पुणी डाकोटा को नै राज्य तथा जाति पई स्वप्न देखुथिले जानिबा से विषय रे बिजुबाबूंकर प्रिय थिला डाकोटा विमान एही पुरुणा डाकोटा विमान को सेतेबेले पानागड़ सरप्लस डिपोट रु 2000 टंका रे किनिथिले विमान को सजाड़ीबा को जाई मी भानोट को बिजुबाबू कहिथिले ए डाकोटा मोर व्यक्तिगत कार्य रे जेते न लागिबो देश काम रे सेते लागिबो डाकोटा विमान टिकु सजाड़ी सारिबा परे सेही विमान ने से प्रतिष्ठा करिथिबा ओडिशा फ्लाइंग क्लब ओ वायरलेस इंस्टीट्यूट पाई बहु जंत्रपाती नै आसीथिले सेही जंत्रपाती आज भी स्मृतिर स्मारकी हुई रही छे बिजुबाबूंकर थिबा 14टी डाकोटा भितरु गोटिए डाकोटा विमान एबे कोलकाता नेताजी विमान बंदर रे रही छे खूब शीघ्र एही डाकोटा विमान टिकु ओडिशा आनिबा पई राज्य सरकार को तरफरु प्रस्तुति आरंभ होई छे बिजुबाबू तांका उच्चा चेहरा को नै जेभली चर्चा रे थिले सेही भली तांका राजनीतिक जीवन थिला बेस उच्चा राज्यर उन्नति पई से तयारी करथिले स्वतंत्र रोड मैप राज्य रे प्रचुर खनिज संपद एवं प्राकृतिक संपद थिबा बेले ओडिशा केमिति गरीबी बेकारी बेरोजगारी ठारु मुक्त रहिबो से कथा से सब बेले चिंता करथिले सेथि पई बहु योजना कार्यकारी करथिले बिजु पटनायक राज्य तथा जातीय राजनीति क्षेत्र रे इतिहास सृष्टि करथिले बिजु बाबू माटी आगो पार्टी पछ ए कथा रे विश्वास करूथिले से यार बेटा समाधान करिवा पाई मोरसा रहिबो स्वाभिमान पाखरे बळी पडुथिला क्षमता सेथि पाई तांकर परबाय नथिला नेहरू को सह बिजुंकर थिला सुसंपर्क स्वाधीनता पूर्वरु 1946 रे उत्तर कटक 1952 रे जगन्नाथ प्रसाद 1957 रे सोरडा विधानसभा निर्वाचन मंडळीरु कांग्रेस विधायक भाबे निर्वाचित होईथिले बिजुबाबूंकु राजनीतिरे मिळिथिला विपुल जनसमर्थन बिजुंक प्रति लोकंक समर्थन देखि तांकु नेहरू 1960 रे राज्य कांग्रेस सभापति दायित्व देइथिले 1961 रे बिजुबाबू होइथिले ओडिशार मुख्यमंत्री नेशनल पॉलिटिक्स रे भी जेहेतु से गोटे फिगर थिले तांको माने प्रधानमंत्री किए हबो कोन हबो देवगड़ा टाइम रे सब जहाँ भी हेले ओडिशा भवन रे होतला विजय बसतले विपी सिंह सब समस्त ना धरी कथबार्ता हूँ नेशनल इश्यू उपर भी सी कहती सी जहाँ कहती जो खबरकगज आम लिखु तार गोटे नेशनल इम्पोर्टेन्स थला 1969 रे कांग्रेस छाड़ी गढ़ीथिले उत्कल कांग्रेस 1971 रे राजनगर आसन रु उत्कल कांग्रेस विधायक भाबे निर्वाचित होइथिले 2020 दास मुख्यमंत्री थिबा बेले राज्यसभा को मध्य निर्वाचित होइथिले बिजु बाबू 1975 रे देश रे लागू होइथिला जरूरीकालीन परिस्थिति एही समय रे बिजु बाबू गिरफ होई जेल ले थिले रे जेल रु मुक्त होई जनता पार्टी रे जोग देइथिले से केन्द्रापड़ा रु जीति केन्द्र रे मोरारजी देसाई एवं चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल रे होइथिले इस्पात ओ खणि मंत्री परे 1980 रे पाटकुरा विधानसभा आसन रु निर्वाचित होई होइथिले विधायक पुनश्च 1980 एवं 1984 लोकसभा निर्वाचन रे केन्द्रापड़ा आसन रु बिजुबाबू विजयी होइथिले
प्रभात पुरुष सीए ओडिशा को एक समृद्ध ओडिशा शक्तिशाली ओडिशा करिवार से स्वप्न देखिथिले तांकर से स्वप्न अधूरा रही जाइथिला। ओडिशा रो सबुठु जदि टाणुआ व्यक्तित्व भारतर स्वाधीनता परे परे ओडिशा राजनीतिर जदि गोटे टाणुआ राजनीतिर व्यक्तित्व को आमे खोजिबाकु चाहिमा तबे निश्चित भावरे विजु पटनायक सर्वाग्रे रहिबे। पंडित नेहरूंक ठारु आरंभ करी कांग्रेस राजनीतिरे तांकर दबदबा थिला। परवर्ती समय रे श्रीमती इंदिरा गांधीक सहित मत पार्थक्य पर जोगुं से कांग्रेस त्याग करी आंचलिक दल गठन करथिले। विजु बाबू थिले विचक्षण राजनीतिज्ञ। राजनीति मैदान ने से सबुबले रहुथिले चर्चारे। 1985 रे सांसद पदरु इस्तफा दे भुवनेश्वर आसनुर विधानसभा निर्वाचन लढ़िले। केन्द्र रे 1989 रे वीपी सिंह को नेतृत्व रे गठित होइथिला सरकार। कांग्रेस रो सूचनीय पराजय होइथिला एही समय रे। बिजु बाबू राज्य रे जनता दल रो मूलदुआ को मजबूत करथिले। 1990 रे मुख्यमंत्री होइथिले बिजु पटनायक। यहाँ पर 1996 रे आस्का लोकसभा आसनु विजयी होइथिले। 1997 मसीहा अप्रैल 17 तारीख रे बिजु बाबूंकर देहांत होइथिला। देश ओ ओडिशा तार जणे परपुत्रंकु हरैथिला। बिजु बाबू राज्य उन्नति पई सबबळे चिंता करूथिले। मुख्यमंत्रीत्व समय रे सृष्टि करथिले नुआ कीर्तिमान। 90 मसीहा जे बिजु पटनायक मुख्यमंत्री हेले से राज्य आईन को संशोधन करी पुणि थरे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कले एवं भारतवर्षर प्रथम थर पई पंचायत व्यवस्था 33 भाग महिला स्थान संरक्षण कले। खाली से गले आमर योजन राज्य योजन ग्रामांचल विकास पई शतकड़ा 18-22% अर्थ बराद कराला। विजु भारतवर्षर प्रथम मुख्यमंत्री ताको बदलिक ग्रामांचल विकास पाई 57% कले। पारादीप बंदर कलिंग ट्यूब्स राउरकेला स्टील प्लांट ओयुएटी एनआईटी सैनिक स्कूल नालको बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज बड़बिल लुहा कारखाना ओटीएम तालचेर थर्माल ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय संबलपुर विश्वविद्यालय ओ मिग विमान कारखाना आदि बहु शिल्प प्रतिष्ठा करी देखिथिले नुआ ओडिशार स्वप्न। महिला सशक्तिकरण और त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था आदि योजना प्रणयन करी से पाइथिले प्रशंसा। सेहिपरि पंचायत स्तर रे महिला मानंको पाई 33% स्थान संरक्षण व्यवस्था करी उदाहरण सृष्टि करथिले बिजु बाबू। बिजु बाबू आरंभ करथिबा एही जनहितकर कार्य आजि तांक सुपुत्र नवीन पटनायक द्वारा व्यापक होइछे। से जतबेले मुख्यमंत्री हेले से आगुरु भी कहुथले जे स्त्रीलोक माने आमर शासन रे भाग न भाग ग्रहण करबा उचित अंश ग्रहण करबा उचित एवं सेइत पई से आमर सब कहुथले जे एटलीस्ट 1/3 मान 33% महिला मानक पई सबुथरे शासन रे आउ इयरे मैनेजमेंट रे सबुथरे महिला मानक अग्राधिकार दिया जिबा उचित तेणु करे सेमानकु 33% रिजर्वेशन टा एटा प्रथम करी बिजू कहिथले एवं से शासन क्षमतार थिला बेले से हि करैथिले। कलिंग वीर भाव रे परिचित थिले बिजू पटनायक। कलिंग शब्द कलिंग जाति कलिंग साहसिकता को अति भल पाउथले। से मनर कानभास रे अतीत कलिंगर चित्र अंकुथले आउ सेथिपई से जहाँ भी अनुष्ठान गढ़ीथिले से सबुर नारे जोड़ीथिले कलिंग आउ ए कलिंग नारु से जेमिति पाउथले नैतिक शक्ति एवं साहस। ख्रीष्टपूर्व 261 ऐतिहासिक कलिंग युद्ध
ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟମାନେ ଲଢ଼ି ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର କଳାକୀର୍ତ୍ତି ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ବୀର କଳିଙ୍ଗର ଗାଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଳିଙ୍ଗ ନାମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ 1950ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର। 1952 ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 63 ଜଣ ଖ୍ୟାତନାମା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଉନ୍ନତ ରାଜ୍ୟ ସହିତ କେମିତି ସମକକ୍ଷ କରାଯାଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅହର ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତ ନାଁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଦିଆଯାଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉ। କଳିଙ୍ଗ ସାଧବ ସାଧବାଣୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ସ, କଳିଙ୍ଗ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର, କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଳିଙ୍ଗ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବି ସେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ 14 ଡାକଟା ବିମାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଥର ଏହି ଡାକଟା ବିମାନରେ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଉଡ଼ାଣ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ତଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ ତାର ନାଁ ରଖିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ରଥ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିରଳ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ବିଜୁବାବୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ କୃତିକୁ ଝୁରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଜୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଜଗତ ପାଖରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଇତିହାସ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କ ଅମଳିନ ସ୍ମୃତିରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମହାନ ଜନନେତା ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।